और सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे रायपुर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव में चेहरा नहीं, विकास के मुद्दों के साथ जाएंगे। सरकार बनने पर पार्टी चेहरा तय करेगी। बीजेपी प्रभारी के बयान पर कांग्रेस का बयान, पुरंदेश्वरी का बयान बीजेपी नेताओं के लिए दुर्भाग्यजनक है। तो चुनाव में चेहरा नहीं, विकास के मुद्दों के साथ जाएंगे। सरकार बनने पर पार्टी चेहरा तय करेगी। डी पुरंदेश्वरी का ये बयान आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रभारी के बयान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया और कहा कि पुरंदेश्वरी का बयान बीजेपी नेताओं के लिए दुर्भाग्यजनक है। दरअसल 2023 की तैयारी में अभी से बीजेपी जुट गई है। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में डी पुरंदेश्वरी ने बैठक की, उसके बाद उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर पार्टी चेहरा तय करेगी। पहले से हम विकास के मुद्दे पर चुनाव को लड़ेंगे, चेहरे के मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा। हम बस डेवलपमेंट के मुद्दे लेके लोगों के पास जाएंगे। डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी आवर फेस, डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी दी इश्यू। देयर आर वी हैव अ प्रोसेस इन द पार्टी, पार्टी तय करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ के नेताओं पर अविश्वास, छत्तीसगढ़ के सांसदों पर अविश्वास आज डी पुरंदेश्वरी की पत्रकार वार्ता में खुलकर सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं पर सवालिया निशान खड़े किए हैं डी पुरंदेश्वरी ने। और यदि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में भाजपा के किसी नेता को इस योग्य मानता ही नहीं है कि उसे नेतृत्व का कमान दे या उसे मंत्री बनाया जाए, तो यह बेहद दुखद और अपमानजनक स्थिति है। डी पुरंदेश्वरी के द्वारा छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं पर अविश्वास की बात बहुत ही दुख और चिंता का विषय है और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिए को स्पष्ट उजागर करता है। तो सरकार बनने पर पार्टी चेहरा तय करेगी, डी पुरंदेश्वरी ने यह बयान दिया है। इस बयान को लेकर अब कांग्रेस लगातार इसे बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। दरअसल 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, इसी को लेकर डी पुरंदेश्वरी जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम चेहरे पर नहीं बल्कि मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे और जब सरकार हमारी बनेगी, जब चुनाव हम जीतेंगे, तो फिर पार्टी चेहरा तय करेगी। इसको लेकर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इस वक्त लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कैसे सरकार को घेरना है प्रदेश में, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं रायपुर से। आशीष, डी पुरंदेश्वरी के बयान पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन गलत क्या है इसमें कि अगर बीजेपी मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी, चेहरे पर नहीं? देखिए, छत्तीसगढ़ की तासीर थोड़ी अलग है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इलेक्शन डोमेन पर जाती रही है तो एक चेहरे के साथ जाती रही है और छत्तीसगढ़ में इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि 2008 का चुनाव ले, 2013 के चुनाव का संदर्भ लें तो दोनों दफे बीजेपी की सरकार राज्य में बनी है। तो प्रमुख चेहरे के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को ही बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को पॉलिटिकली बेनिफिट भी मिले हैं। हालांकि समीकरण कुछ और रहे हैं चुनाव के, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ की सत्ता में कांग्रेस काबिज है और कांग्रेस आज की डेट में जमीन पर बात की जाए तो कांग्रेस बेहद मजबूत हो चुकी है अपनी योजनाओं के बूते बात करें या रणनीतिक लिहाज से। बीजेपी के पास इसका काट नहीं है कि कांग्रेस राज्य में जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है उसमें ओबीसी वर्ग की पॉलिटिक्स के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की जाती रही है। बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा फिलहाल इस वक्त नहीं है। ऐसे में चुनावी मोर्चे पर यदि डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे के बूते बीजेपी जाएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही अनुमान है कि वो नतीजे नहीं आएंगे जमीन पर जो बीजेपी चाहती है। यही वजह है शायद कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जब मीडिया से मुखातिब थी। आशीष बने रही है इस वक्त हमारे साथ संजय श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। डी पुरंदेश्वरी के बयान पर इस वक्त कांग्रेस इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए कि पार्टी इस बार 2023 का चुनाव मुद्दों पर लड़ेगी, चेहरे पर नहीं। क्या मतलब है इसका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जी कि इस
भारत देश के अंदर में विकास की परिभाषा यदि किसी ने लिखी है तो वो बीजेपी की सरकारों ने लिखी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या विभिन्न राज्यों की सरकार हो। हमारा सबसे पहला एजेंडा आज नहीं है, ये चुनाव 2023 की बात नहीं, हमने 2003, 8, 13 या 18 का चुनाव लड़ा है तो हमने विकास के मुद्दों पर लड़ा है। कांग्रेस के जैसे शराबबंदी का गलत वादा, युवा बेरोजगारों को बच्चे सौ रुपए भत्ता देने का झूठा वादा, इन वादों पर हम नहीं लड़ते। हम ईमानदारी के साथ में जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम हमेशा चुनाव लड़ते हैं। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो सबको मालूम है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस बात को तय करता है, ये राहुल ये गांधी परिवार का विषय नहीं है, कांग्रेस की जैसे कि गांधी परिवार इसको तय करेगा पार्टी। लेकिन संजय जी, इससे पहले के चुनावों की अगर हम बात करें, जब रमन सिंह सरकार में थे तो उस वक्त में ये भले ही पार्टी ऑफिशियल तरीके से अनाउंस ना करे लेकिन सबको पता होता था कि अगर जीत होती है बीजेपी की तो फिर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस बार क्या तस्वीर बदलेगी इस वजह से, पहले से आप लोग इंडिकेट कर रहे हैं क्या? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है, देखिए बहुत सरल सी बात है जो आपने स्वयं कह दी कि जब हम पिछले तीन चुनाव लड़े थे सिटिंग मुख्यमंत्री थे उनके समय में लगातार हम चुनाव जीते हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री थे इसलिए एक चेहरे के रूप में उनके नेतृत्व में हम लड़ते थे, लेकिन पार्टी ही बाद में तय करती थी, पहले डिक्लेयर नहीं करते थे कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज चूंकि हम विपक्ष में हैं और सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि हमको सरकार बनाना ठीक है। संजय जी, सुशील आनंद शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आपका पक्ष मैंने सुन लिया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कह रही है कि जो बीजेपी के बड़े नेताओं हैं उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। सुशील जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि मुद्दों पर बीजेपी 2023 का चुनाव लड़ेगी, चेहरे पर नहीं? देखिए ऐसा है कि यह घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी ने स्वीकार कर लिया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चेहरा नहीं है। भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता के सामने आगे रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। दूसरी बात, पुरंदेश्वरी जी को खुद भरोसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस स्थिति में नहीं है जनता के सामने जाए जिस चेहरे को लेकर जनता के सामने वोट दे सके। दूसरी बात, विकास की बात करती है, उन विकास कार्यों को जिनको की जनता ने 2018 में निकाल दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार कमीशन पूरी वाला विकास था जनता ने 2018 में निकाल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी फिर मुद्दों को लेकर जाना चाहती है। सुशील जी, संजय जी से इसकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं बहुत ही संक्षेप में। संजय जी, प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या है? देखिए ऐसा है कि यदि कांग्रेस गफलत में रहना चाहती तो हमें कोई 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 दिक्कत नहीं है, और नकारने की यदि यही परिभाषा है तो ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि केंद्र के अंदर में गांधी परिवार को नकार दिया गया, इस बात को ये स्वीकार कर रहे हैं ऐसा मैं मान रहा हूँ, यदि ये परिभाषा डॉक्टर रमन सिंह के लिए तो है। दूसरा विषय ये है कि देखिए अभी लगभग 2.5 वर्ष है इस चुनाव को, ये तो बहुत समय से पहले वाला सवाल है और उसका जवाब है। मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत लंबा समय है और जब चुनाव के 6 महीने 1 महीने 1 साल बचता है उस समय इन सब बातों पर फोकस किया जाता है कि बिल्कुल। लेकिन संजय जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि डी पुरंदेश्वरी का जो बयान है उस पर इस वक्त कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों पर हमला करने के लिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी के बाद उनका रुख करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है, बैठक में बीजेपी प्रभारी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी बैठक में पहुंचे हैं, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम सहित कई बड़े नेता इस वक्त बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि 2023 के लिए रणनीति तैयार हो रही है, लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और इस वक्त ताजा अपडेट यह है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। आशीष तिवारी लगातार रायपुर से मेरे सहयोगी बने हुए हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, आशीष क्या अपडेट है इसको लेकर इस वक्त? देखिए स्टेट बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का उसमें सबसे बड़ी कमेटी होती है कोर ग्रुप की, और कोर ग्रुप की बैठक यहाँ पर इस वक्त चल रही है, इसी बिल्डिंग में बैठक चल रही है। मोटे तौर पर जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, जानकारी तो यही है कि मिशन 2023 की कंक्रीट स्ट्रेटेजी बीजेपी को तैयार करनी है जी। वो स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाई जाएगी, आने वाले महीनों की कार्ययोजना किस तरीके से होगी, इस पर मंथन तो चल ही रहा है, लेकिन जोर किस पर दिया जा रहा है? जोर इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि बीजेपी संगठन के भीतर राज्य में जिस तरीके से नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी है, जिस तरीके से मतभेद के हालात हैं, उसे किस तरीके से दूर किया जाए ताकि मिशन 2023 के बड़े लक्ष्य पर
बीजेपी पहुंच सके और लक्ष्य हासिल कर सके, इस बात पर जोर देने की कवायद यहां पर चल रही है। आमतौर पर पिछले कई महीनों से ये प्रैक्टिस नहीं थी कि तीनों प्रभारी एक साथ आएं और तमाम नेताओं की मौजूदगी में समीक्षा की जाए और समीक्षा के बाद आगे की रणनीति पर बातचीत की जाए। फिलहाल ये स्थिति यहां पर बनी हुई है, बैठक चल रही है और बैठक के बाद हालांकि ब्यौरा किस तरीके से मीडिया तक साझा होगा इसकी जानकारी फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि गोपनीय बैठक इसे कहा जा रहा है। तो बिल्कुल, लेकिन ये तय है कि 2023 की एक रणनीति तैयार की जा रही है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर इन 2.5 सालों में कांग्रेस को कैसे घेरना है इस पर बीजेपी फिलहाल मंथन कर रही है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बयान भी सामने आया, पार्टी को आगे ले जाने को लेकर चर्चा की है। मुद्दों के आधार पर आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा, मिशन 2023 में सत्ता में आने तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी, अगले चुनाव में विकास के मुद्दे पर हम चुनावी मैदान में जाएंगे, सरकार बनने पर पार्टी चेहरा तय करेगी, कांग्रेस सरकार ने वादा नहीं निभाया है, डी पुरंदेश्वरी का ये बयान आपको बता रहे हैं। गरीबों के साथ भूपेश सरकार ने धोखा किया, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकी है सरकार। मैं छत्तीसगढ़ी युवाओं के साथ भी उन्होंने वादा किए थे कि एम्प्लॉयमेंट की दे विल डेफिनेटली गिव एम्प्लॉयमेंट और उसके साथ अगर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड की भत्ता जो है उनको मिलेगा 2,500 रुपीज़। हमारे कार्यकर्ता गांव में गए, हमारे नेता लोग गांव में गए और उनसे पूछा गया कि क्या युवाओं को वो 2,500 रुपीज़ मिली, तो उनका जवाब यही था कि नहीं मिला। यानी कि प्रदेश के युवाओं के साथ भी धोखा हुआ है।